हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं यानी कि राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ 3 मई 2024 का राशिफल। 3 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा तो किस राशि वालों के लिए खराब रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। इसमें सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को और फिर जानने का प्रयास करेंगे राशि फल को। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्य काय, केरो हालय के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मो नाचो मनक्कम खम्हा गणि हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 3 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं। 3 तारीख को दशमी तिथि सतविखा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे और शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और आपको मैं बता दूं कि शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:44 PM तक का है और दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए वर्जित है, अच्छा नहीं रहेगा। उसमें भी खास करके राहु काल 10:38 AM से 12:18 PM तक का है, तो ये समय आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। आइए चर्चा मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सतविखा नक्षत्र में चंद्रदेव कुंडली के एकादश भाव कुंभ राशि में रहेंगे। एकादश भाव में चंद्रदेव के रहने के कारण मेष राशि वाले जातक को इस समय में आमदनी में वृद्धि का योग है, अच्छा खासा लाभ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, बिजनेस व्यापार से पर्याप्त लाभ मिलेगा, संतान के भी सुख प्राप्ति का योग है, उत्तम भोजन समय पर मिलने के योग हैं, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ हास परिहास और स्त्री सुख में समय व्यतीत होगा, प्रफुल्लित मन महत्वाकांक्षा पूर्ति की ओर अग्रसर होगी और स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा और तरल पदार्थों से भी आय की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये समय सतविखा नक्षत्र का चंद्रमा हर मामले में 3 तारीख के लिए बढ़िया है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव का प्रवेश कुंडली के दशम भाव में होगा। जैसे कि देख लो, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, कुंभ यहाँ पे आता है चंद्रमा वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के दशम भाव में। कुंडली के दशम भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण वृषभ राशि वाले जातक के भी हर कार्य के सिद्धि का योग है। जिस काम को भी करने का प्रयास करेंगे वो काम बड़ा आसानी से सिद्ध हो जाएगा, अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होने के योग है। इस समय में स्वास्थ्य वगैरह भी आपका अच्छा रहेगा, राज्य की ओर से, सरकार की तरफ से भी, अथवा जिस फील्ड से जहां से जुड़े हुए हैं आप, उस जगह से आपको मान सम्मान में खूब वृद्धि का योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको इस समय में अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह के भी योग दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो उच्चाधिकारी हैं, हायर लेवल के ऑफिसर हैं, वो भी आपसे खूब प्रसन्न होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय में अपने घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा और सब लोग काफी प्रसन्न रहेंगे। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वाले जातक के लिए ये दर्शा रहा है कि कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। परेशानी से घबराए नहीं, परेशानी का डट करके मुकाबला करें, क्योंकि वो आप हमेशा से करते आए हैं। बिजनेस व्यवसाय में कुछ नुकसान आज के दिन होने के योग है, तो सावधान रहें। संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम हो सकता है और पेट से संबंधित, छाती से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी मिथुन राशि वालों के सामने आ सकती है। इस समय में भाग्य भरोसे बैठने का ये समय नहीं है मिथुन राशि वाले, इसलिए भाग्य भरोसे ना बैठें। अपने आप पर में शिकंजा कसें, अपने कर्म को प्रधान बनाएं और इसी बात को माने कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करहि सो तसि फल चाखा, कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचने। वर्क इज वर्शिप। इस बात को समझे, शत्रु जरूर आपके पीछे लगा हुआ है, वो लगा रहेगा, उसका काम है लगा रहना। वो अगर आपको परेशान नहीं करना चाहेगा तो फिर शत्रु किस बात का, तो वो शत्रु है आपका। तो परेशानी से घबराए नहीं। मिथुन के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कर्क राशि वाले जातक को इस समय में किसी प्रकार का विकार परेशान कर सकता है, जैसे कि अपच की समस्या, श्वास की समस्या, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या, ये सब आपको कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है। मानसिक क्लेश जिसके कारण से मेंटली तौर पर में थोड़े से भ्रमित, थोड़े से परेशान भी आप हो सकते हैं। नियत समय पर में अच्छा भोजन मिलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। अचानक से किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको घेरने का प्रयास कर सकती है और धन का भी आपका कुछ नुकसान हो सकता है, तो इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में ये बैठा हुआ चंद्रमा आपको बता रहा है कि ये समय सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर में बढ़िया है, जैसे कि धन के लाभ का अच्छा खासा योग बन रहा है। आपको इस समय में पर्याप्त काम, सुख, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के भी योग बन रहे हैं। छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो कि काफी लाभदायक साबित होंगे। आपको बता दूं कि वाणिज्य और व्यवसाय में भी अच्छा खासा लाभ का योग है। इस समय में उत्तम भोजन, क्षीर आदि पेय पदार्थ के साथ शयन सुख का भी अच्छा खासा योग है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाहन और ख्याति के प्राप्ति के भी बहुत बेहतरीन योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है, जैसे कि कुछ विशेष धन के लाभ का योग आपके लिए भी बन रहा है। स्वास्थ्य आपका भी अच्छा रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। महिलाओं से भी आपका कुछ संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने घर में भी रहेंगे तो सुखमय समय व्यतीत करेंगे और शत्रुओं की पराजय होती हुई भी नजर आ रही है। रोग का भी नाश होगा, परंतु खर्चा कुछ अधिक होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि यात्रा में कष्ट की संभावना है, इसलिए यात्रा करते वक्त बहुत सावधानी बरतें। कुछ दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। कार्य में सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल आज के दिन दिखाई दे रहा है। मन में किसी बात को लेकर के अशांति रह सकती है, मन डिस्टर्ब रह सकता है, धन का कुछ नुकसान हो सकता है, पेट में किसी प्रकार की समस्या भी सामने आ सकती है और काम वासना की अधिकता नजर आ रही है। इस समय में किसी को उचित सलाह देना भी आपके बूते की बात, बस की बात नजर नहीं आ रही है। तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को अपने ही लोगों से, स्वजनों से वाद विवाद का योग है। अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति होगी। मन चंचल रहेगा। छाती में किसी प्रकार के विकार की संभावना भी दिखाई दे रही है। भोजन का सही समय पर मिलना नजर नहीं आ रहा है। नींद में भी कुछ बाधा परेशान कर सकती है। जल तथा स्त्री जाति से भी आपको कुछ भय के योग नजर आ रहे हैं। समाज में भी अपमान का भय है, हो सकता है, और स्त्री सुख में भी कुछ कमी के योग नजर आ रहे हैं।
तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में सत्विका नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश है तो ये अच्छा रहेगा, जैसे कि धन के लाभ का योग आपको मिलेगा धनु राशि वाले। आज के दिन अच्छा खासा वस्त्र पहनने का अवसर मिलेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। इस समय में शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे और मन भी आपका काफी प्रसन्न रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं से भी सहवास का सुख प्राप्त होगा, बंधुजनों से लाभ मिलेगा, व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा और भाग्य में भी वृद्धि के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये समय निश्चित तौर पर में अच्छा नजर आ रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि के। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा मकर राशि वालों के लिए दर्शा रहा है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में आपके मन में असंतोष की भावना जागृत हो जाएगी। इस समय में आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। परिवार के लोगों से भी संबंध अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई पीड़ा या कोई अन्य रोग आपको परेशान कर सकता है। अच्छा भोजन और सुख प्राप्ति में भी कुछ बाधाओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यों में असफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। पाप कर्मों में आपकी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और विद्या में भी अरुचि की भावना जागृत होती हुई नजर आ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये काफ़ी अच्छा बता रहा है। जैसे कि कुंभ राशि वाले जातक को 3 तारीख को सुख और आनंद के प्राप्ति का योग है। किसी प्रकार की बीमारी है, हेल्थ वाइज इशू है तो उससे आप इस समय में टेंशन मुक्त, रोग मुक्त रहेंगे। उत्तम भोजन प्राप्ति का भी योग है, बढ़िया कपड़ा भी पहनने को मिलेगा और नींद भी अच्छी आपको आएगी। प्रेमी प्रेमिका अथवा जीवन साथी के साथ संभोग का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। उपहार और धन प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए नजर आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय ये बढ़िया है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश मीन राशि वालों के लिए कुछ नेगेटिव रिजल्ट देख रहा है। जैसे कि शारीरिक तौर पर में कुछ कष्ट होना, विशेष करके आंखों के रोग से परेशानी, धन और मान सम्मान में कुछ कमी के योग। संतान का सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, खर्चा अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय में मीन राशि वाले अपने ऊर्जा का अपव्यय कर सकते हैं, अपने ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकते हैं। अनर्थकारी घटनाएं जिसके कारण से घटित हो सकती है जो ठीक नहीं है, तो इस मामले में थोड़ी सी सतर्कता तो आपको बरतनी पड़ेगी। तो देवी और सज्जनों, यही छोटा सा था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि 3/5/2024 का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।